यार एक बात तो है, वैसे बैक बेंचर, देखो तुम भी होगे, मैं भी हूँ बैक बेंचर, क्योंकि हम हरामी, मतलब हम जो व्यस्त लड़के होते हैं ना, हम बैक बेंचर ही होते हैं, जो बात है वो बात है। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, रैंडम जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है। मैं सबके सामने गा लेके आया, गाने का ब्रेक डाउन लेके आया, अगर आप थंबनेल लेके आए तो बिल्कुल सही जगह आए हो। हम यहाँ रियल हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं एंड अंडररेटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो जो जिसके आप वीडियो देखने आए हो मेरे भाई, ये भी अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं एंड ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जाओ मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट मार लेना अगर आपको बिलीव ना हो तो। बाकी अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इनको भी सपोर्ट की जरूरत है, मुझे भी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अंडररेटेड आर्टिस्ट को मैं सपोर्ट करता हूँ तो मुझे उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिला जिस हिसाब से मैं मेन स्ट्रीम के आर्टिस्ट को अगर रिएक्ट करूँगा तो उन पे मिलेगा। बट मुझे अच्छा लगता है इन पे रिएक्ट करना, सो दैट्स व्हाई मैं इनके रिएक्ट करता हूँ। बाकी जो वीडियो, जो गाना आप सुनने आए हो, तो सीन फ्लिप है, सीन चेंज हो चुका है, ठीक है। बाकी ADI यानी आदित्य भाई फ्लिप एंड फीट मैस है ना, मैस एंड मैस का ही प्रोडक्शन है, तो बिग शॉट आउट टू मैस जिसने काम घातक कर रखा है, मुझे इतना पता है, ठीक है। एंड तुम्हारा भाई फुल FEK भाई की कॉपी लग रहा है कि नहीं लग रहा, आज तुम ये बता दो पहले मुझे। चलो इसे उतार देता हूँ, अब बताओ तुम्हारा भाई फुल FEK भाई की कॉपी लग रहा है कि नहीं लग रहा लग रहा था ना तुम्हारा भाई बहुत हरामी हो गया। बाकी हाँ, बताया ना आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बिना किसी और ज्यादा देरी के। साइड में तुमने पढ़ लिया ना सीन फ्लिप, तो सीन फ्लिप करेंगे। तो मेरे भाई मैस की है। We're going up, yeah. बहुत प्यारा साउंड कर रहा भाई म्यूजिक तुम्हारा। देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप, फ्लिप करे लौंडे कंपटीशन साले कर स्किप। देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप, फ्लिप करे लौंडे कंपटीशन साले कर स्किप। देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप। यार हुक कितना कैची लिख रखा है ब्रो, लिटरली तुमने हुक इतना ज्यादा कैची लिख रखा है ना, आई लव इट मैन। मेरे को हुक से ज्यादा प्यार हो गया, मतलब अभी मैंने गाना सुना भी नहीं है एंड मेरे को हुक इतना अच्छा लग रहा है, आई लव इट मैन। एंड क्योंकि वो म्यूजिक पे बहुत प्यार लग रहा है एंड म्यूजिक में जो आगे वो सैंपल था ना वोकल्स का, वो आई लव इट यार। फ्लिप करे लौंडे कंपटीशन साले करे स्किप। देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप, फ्लिप करे लौंडे कंपटीशन साले। नए ट्रेंड जमाने से लाए ट्रेंड, तराने से गर्म में फर्क है, तभी तो सनक भी अलग है, मुझ में तलब है कि ना मेरा पहुंचे फलक तक, क्योंकि तारों में दादी के चेहरे की झलक है। हाँ मुझे ना समझ में ही नहीं आया, मुझे पहले अक्षर से समझ में नहीं आया क्योंकि वीडियो भी इतनी प्यारी बना रखी है ना, तो मैं वीडियो में खो गया था। सो होप आपको समझ में आया होगा कि मेरे को वीडियो वो मेरे को क्यों समझ में आया, ठीक है। तो वन टू फ्लिप करे लौंडे कंपटीशन साले करे स्किप। लेकिन कैच है वो जो बात है वो आते कैसे सीन करा फ्लिप, फ्लिप करे लौंडे कंपटीशन साले। ना है चैन जमाने से लाए चैन तराने, ना है लाए चैन, नहीं ना है चैन, अबे यार फक यार, लाए चैन तभी तर फक यार, ना आए चैन, ठीक है, ऐसे लाए चैन तराने से, ना आए चैन जमाने से लाए चैन, गरम में फर्क है तभी तो सनक भी अलग है, मुझ में तलब है कि ना मेरा पहुंचे फलक तक, क्योंकि तारों में दादी के चेहरे की झलक है। मुझ में तलब है कि मैं बहुत ऊंचा चला जाऊं, लाइक एंड जो ऊपर आसमान में तारे हैं उनमें दादी की झलक है, यानी दादी को याद कर रहे हैं भाई, तो समझ सकते हो तुम बाजी को याद कर रहे हो। मुझे फलक तक क्योंकि तारों में दादी के चेहरे की झलक है। अब लौंडे करे ट्रिप क्रिप क्योंकि इतनी टाइट अपनी गेम पे ना करते बातें लेम से। मैं जो भी वैसे बता दूं, जो एडी भाई यानी आदित्य भाई है ना, एक डांसर भी है, तो तुम इन्हें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। करे ट्रिप क्रिप क्योंकि इतनी टाइट अपनी गेम पे ना करते बातें लेम से। मैं 24 घंटे लेके बीट पे चलूं बाहर जैसे हो स्कूल का बैकपैक बेंचर वाली टैग लेके आए। वो मतलब मैं जिंदगी का भार ऐसे लेके चल रहा हूँ अपनी पीठ पे जैसे कि एक बैग के अंदर कॉपी किताबें होती थी स्कूल टाइम में बचपन, बट मेरे पीछे मेरे ऊपर पता है किस चीज़ का टैग है, बैग बेंचर का टैग है। सोच रहे मतलब कितना लोड लेके चल रहा है बंदा अपने पीठ पर, यानी कि घर का बोझ है भाई के ऊपर। लेके पीठ पे चलू बाहर जैसे हो स्कूल का बैकपैक बेंचर वाली टैग लेके आए। जिंदगी के क्लास में फर्स्ट न छिपते अब दिखते स्पष्ट, लेखनी में कष्ट ये लौंडे सोचे। यार एक बात तो है, वैसे बैक बेंचर, देखो तुम भी होगे, मैं भी हूँ बैक बेंचर, क्योंकि हम हरामी, मतलब हम जो व्यस्त लड़के होते हैं ना, हम बैक बेंचर ही होते हैं, जो बात है वो बात है। इतिहास किसने रचाया, हम बैक बेंचर्स ने ब्रो, क्योंकि हम
हम है, हमारे जैसा कोई नहीं है। हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते थे फिर भी पास हो जाते थे ब्रो, कम नहीं होता। जिंदगी के क्लास में फर्स्ट न छिपते, अब दिखते स्पष्ट लेखनी में कष्ट। ये लौंडे सोचे आया मैं जस्ट, पर इन्हें क्या पता मैं तब से लिख रहा वर्ड जब से डायरी में इनके पड़े घर वालों के बुलावे, ये बस करे कर सोच। क्या 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 मैं जब से वर्ड्स लिख रहा हूँ जब से क्या क्या डेयरी में क्या समथिंग के बुला जस्ट परे ने क्या पता मैं तब से लिख रहा वर्ड जब से डायरी में इनके पड़े घर वालों के बुलावे ये बस जब से डेयरी में पड़े इनके घर वालों के बुलावे में तब से वर्ड्स लिख रहा हूँ ना यही ना करे कर सो चाहे की जाऊं मैं हर पर इनके हर चार कर्ज के बाद आठ मेरे वर ना करूं वक्त बेकार संभालना परिवार पीस का हुआ पीस लेके घूमूं पीस लिस्ट में पीठ पे पेन लेके झूमूं। ओ भाई राइम सुन रहे हो, राइम सुन रहे हो तुम स्कीम परिवार पीस का हुआ पीस लेके घूमूं पीस द लिस्ट में पीस का हुआ पीस लेके घूमूं एंड बीट्स द लिस्ट एंड बीट्स द लिस्ट एक सेकंड घूमूं पीस द लिस्ट में पीठ पे पेन बीच द लिस्ट अच्छा बीट पे पेन थी लेके झूमू और कभी पैर भी बीट पे पेन लेके झूमू कभी पैर भी यानी भाई डांसर भी है ना सच कभी पैर पड़ना कभी करी पैर भी ये बातें काफी अहम सी हम काफी सहनशील सही है काफी रातें तभी ये आंखें जाने सुबह होती क्या चीज मैं सब यार फ्लो देख रहे हो मतलब फ्लो देख रहे हो तुम भाई का काफी सहनशील सही है काफी रातें तभी ये आंखें जाने सुबह होती क्या चीज मैं बहुत रातें झेली हैं तब जाके पता लगा है मुझे कि ये सुबह क्या होती है समझे ना तुम सी हम काफी सहनशील सही है काफी रातें तब ये आंखें जाने सुबह होती क्या चीज मैं शब्दों के एक्सप्रेस पे बैठा लेके मैस नाउ वी डोंट चेंज टू इंप्रेस ही बी प्लेन शब्दों के साथ तुम्हारे को समझ में आया मैं शब्दों के एक्सप्रेस पे लेके बैठा मैस मैस मन मैस कौन है मैस ये भाई है जिन्होंने प्रोडक्ट दिया यानी प्रोडक्शन किया है इट्स बीट का समझ गए तुम अब मैथ्स की बारी लग रहा है ना वेट 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 भाई लोफाई ट्रैक की तरह गा रहे हैं ना इसे मुझे लगा दूर है ना मुझे लगा दूर पर नूर इस जहान का नूर जहान सा है ना बंदा लोफाई कर रहा है लोफाई के बाद चॉपर शुरू हो गया ये गलत बात है ये गलत बात है मैं वीडियो छोड़ दूंगा अगर ऐसे चलेगा तो देखना कितने राम चल रहा है लोफाई ट्रैक चल रहा है फितूर चढ़ा और रैप का जुनून चढ़ा वाह रहमत खुदा की जो लिखूं मैं ऐसा कि लोग रोज पूछे लेते तू कैसे नर्ड लोग बोले पढ़ूं मैं ज्यादा पर रेफरेंस हुए कि समझ नहीं आता ये समझ नहीं आता ये कैसे रिलेट करूं मैं वॉक से समझ नहीं आता ये डीजल कैसे सेम लगे ग्लॉक वैसे कौन करता है नहीं मुझे समझ में आया भाई मुझे समझ में आया कि लोग पूछते कि ये रेफरेंस कहाँ से उठाते हो बट हमें समझ में नहीं अब हम तोड़ेंगे आप समझो रहमत खुदा की जो लिखूं मैं ऐसा कि लोग रोज पूछे लेते तू कैसे रहमत खुदा की है जो मैं ऐसे लिखता हूँ पर लोग पूछते हैं कि तू लिखता है ऐसे कैसे है लोग बोले पढ़ूं मैं ज्यादा पर रेफरेंस हुए कि समझ नहीं आती है लोग बोले कि मैं पढ़ूं मैं ज्यादा पर लोग कहते हैं कि इनके रेफरेंस मुझे समझ में आते ही नहीं है समझ नहीं आता ये कैसे रिलेट करूं मैं ग्लॉक से समझ नहीं आता ये टीचर कैसे सेम लगे ग्लॉक से एक सेकंड क्या टीचर कैसे लगेगी ऑक्स से कैसे रिलेट करूं मैं ग्लॉक से समझ नहीं आता ये टीचर कैसे सेम लगे ग्लॉक से टीचर कैसे लगेगी सेम ऑक्स से ब्रो मेरे को ना प्लीज कमेंट में बता देना शौक नहीं है ऐसी धुन पे इस तरह से लिखने का लिखूं मैं क्योंकि ये तरीका मेरा जब जब रात बरसात मेरा कफीन और दो चार स्लैश में दे रहा रोनाल्डो का फैन जन्म से अडीडास
पैसे को ट्रॉफी जब भी खाता मेरा परंदेश से आई लुक लाइक चिंचिला। मुझे समझ में नहीं आया भाई ने क्या बोला, लिटरली भाई भाई लिखते बहुत अच्छा लिख रहे हो तुम। अच्छा शौक नहीं ऐसे मैं लिखूं धुन पर, अच्छा ठीक है। लिखूं मैं रात भर साथ दे कसीन कसीनो कसीन मतलब कोई होगा आई डोंट नो। डोराइडो का फैन जन्म से, डोराइडो का फैन वो जन्म से भाई डोराइडो का फैन ठीक है। कैटिला से को ट्रॉफी जब भी खाता मेरा परंदे से आई लुक लाइक चिंचिला। ब्रो तो ऐसे गा लेते यार, तो मैं ऐसे गाते तो मेरे को भी समझ में आता ना। तुमने एक मतलब तुमने चॉपर फ्लो शुरू कर दिया था यार, अब क्या समझूं मैं यार, मैं गाला छोड़ दूंगा। नहीं मजाक कर रहा हूं। तो मेरा परंदेश से आई लुक लाइक चिंचिला, मेरे खून में है लेख पापा की कविताएं, मुझे सारी याद से चुना रास्ता, पापा को है गर्व मुझे खुद पे भी नाज है, और मैं इसका इलाज को ढूंढने में खास है। भाई के पापा पोइट है मतलब राइटर है कुछ, मतलब कुछ ना कुछ राइट करते हैं, तो भाई वही बोल रहे हैं कि पापा के लेख से ना, पापा की शायरी से ना, पापा की कविताएं, पापा की कविताओं से मतलब मैंने सीखा है, तो और पापा को भी नाज है कि मेरा लड़का एक अच्छी चीज कर रहा है, एक अच्छी चीज कर रहा है, एंड मैं जो कर रहा हूँ मेरे घर वाले मुझ पे चिल्लाते हैं, बताओ तुम मैं क्या करूँ। ब्रो मैं इससे मोटिवेट हो सकता हूँ बस, मैं इससे मोटिवेट हो सकता हूँ बस, बाकी घर वाले अभी देखो अभी यहाँ से उठ के जाऊँगा तो क्या बोलेंगे, क्या करता है कमरे में बंद रहता है, लाइट चालू कर लेता है, क्या करता है तू, क्या करता है, अब उनको क्या बोलूं, मैं हिप हॉप सपोर्ट कर रहा हूं, मैं हिप हॉप सपोर्ट कर रहा हूं, ये बोलूं मैं इसे आई लुक लाइक चिंचिला, आई लुक लाइक चिंचिला, पापा की कविताएं मुझे सारी याद से चुना रहा, यस पापा को है गर्व मुझे खुद पे भी नाज है, और मैं इसका इलाज को ढूंढने में खास है। चलो सादी भाषा ग्रूवी फ्लो करूं, जरा दिल को मैं छू लूं तुम्हारे, छू लिया भाई, अभी तो बस शुरू हुई जिंदगी, और देखो कैसे पीछे लगे पड़े हमारे, पापा राजी तो फिर क्या है बाकी, सुनो साकी रखो इरादे बाकी, बातें लाकी। देख रहे हो फ्लो, देख रहे हो फ्लो कैसे टूट गया, मतलब फ्लो वो वर्ड्स में देखो क्रंच आ रहा, कच 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 चॉप मार रखे हैं देखो। पापा राजी तो फिर क्या है बाकी, सुनो साकी रखो इरादे बाकी, बातें लाकी बनाना ना चीज, मैं पूछिए जनता राजी, तुम भागे जैसे खासी, आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन साले करे स्किप, आते को आते आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन साले करे स्किप, आते को आते आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन साले करे स्किप, आते को आते आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन साले। ब्रो आई लव योर हुक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है। एंड भाई सच्ची में तुम भी सोचो कि कैसे 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 किया भाई, फ्लिप ट्रिप लॉन्डे कॉम्पिटिशन स्विच कर रहे हैं। एंड रियली देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो गाना है ना, ये गाना नहीं है, ये भाई ने कुछ अपने अंदर की बातें बोल रखी है, जो अंदर की भड़ास के जिसे कहते हैं ना तुम लोग अंदर की भड़ास, ये वो निकाल रखी है। एंड 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 वीडियो काफ़ी अच्छी है, लिरिक्स की बात करूं तो लिरिक्स ब्रो मतलब लिरिक्स रियली मतलब लिरिक्स इतने धांसू लिरिक्स है ना रियली, मतलब मेरा दिमाग घूम गया, मतलब बहुत समझने वाले लिरिक्स हैं, बहुत प्यार से आपको समझ में आएंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हिप हॉप सुनने वाली जनता को सब पता है, बाकी मेरे से इतना हो सकता था मैंने उतना कर दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ बेकार लगी। एंड तुम्हें बताया था कि मैं अंडररेटेड आर्टिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, तो चैनल पर सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है। बाकी मिलते हैं अदर वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही, किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ, आर्टिस्ट के साथ मिलते हैं, आर्टिस्ट बोल देता हूँ, आर्टिस्ट के साथ मिलते हैं, बाकी मिलते हैं। तेरी नो स्ट्रेस, देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन साले करे स्किप, देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन साले करे स्किप, देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन साले करे स्किप, देखो आते आते कैसे सीन करा फ्लिप ट्रिप करे लॉन्डी कंपटीशन।